हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दुर्गेश पाठक। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे हैं और अपनी उम्र दिखाना नहीं चाहते, या ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो जिनकी उम्र ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो अपनी उम्र से ओल्ड दिखते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हम अपनी उम्र को कैसे छुपाएं और अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली हम कैसे यंग दिखें। दोस्तों, पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि एज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको आप चेक नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी ओल्ड होते चले जाते हैं। दूसरा, जब हमारी सेल्स लाइफ में कई प्रकार के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, कई प्रकार के स्ट्रेसेस और स्ट्रेन से एक्सपोज होती हैं तो सेल के मेटाबॉलिज्म के दौरान फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में कई प्रकार की सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये दो कारण हैं कि धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे हम अपनी उम्र के अपनी जितनी हमारी उम्र है उससे हम कम उम्र के दिख सकें। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से ओल्ड दिख रहा है या अपनी उम्र से यंग दिख रहा है, ये तीन या चार बातों पे डिपेंड करता है। पहला बात, उसकी बॉडी का फैट परसेंटेज। अगर जो हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे जो फैट जमा है, सबकुटेनियस फैट, वो हमारी स्किन को थिक बनाता है। तो आप कितने स्किनी हैं या आप जितने स्किनी होंगे, जितना आपके स्किन के नीचे फैट कम होगा आप उतने यंग लगेंगे, और जितना आपकी स्किन के नीचे फैट जमा होगा आप उतने ओल्ड लगेंगे। नॉर्मली इसका एक परसेंटेज होता है जिसको हम बॉडी फैट परसेंटेज कहते हैं। इसका निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम स्किन को पकड़ के उसकी मोटाई मेजर करके ये पता करते हैं कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कैसा है। 20 से ऊपर का जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है और वो आपको ओल्ड दिखाता है। जबकि 10 से 15 का जो बॉडी फैट परसेंट होता है वो हेल्दी होता है और अच्छा माना जाता है। अगर आप 10 से कम, मतलब 5 से 10 बॉडी फैट परसेंटेज में, तो आप काफी यंग लगते हैं अपनी उम्र के अनुसार, उम्र के अपेक्षाकृत। और जो मॉडल्स होते हैं उनका लगभग 5% बॉडी फैट होता है जो फोटो सेशन वगैरह कराते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया बॉडी फैट परसेंटेज, जितना कम होगा आप उतने यंग दिखेंगे और जितना बॉडी फैट ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली ओल्ड दिखेंगे। दूसरी चीज है स्किन, जो ये डिसाइड करती है कि आप कितने ज्यादा ओल्ड दिखोगे या कितने ज्यादा यंग दिखोगे। अगर आपकी स्किन टोन्ड है, ढीली नहीं है, रिंकलिंग फ्री है, उस पर ग्लो है, इसको उस पर कोई बीमारी नहीं है, तो आप यंग दिखते हो। अगर आपकी स्किन रिंकल्ड है, टोन चली गई है, उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, आपकी आंखों के चारों ओर घेरे आ गए हैं, आपको स्किन के डिजीजेज हो गए हैं, तो आप ओल्ड दिखने लगते हैं। तीसरी चीज है आपकी हेयर स्टाइल। अगर आपकी हेयर स्टाइल
ऐसी है, कुछ हेयर स्टाइल ऐसी होती हैं जिनमें आप यंग दिखते हैं, और कुछ हेयर स्टाइलें ऐसी होती हैं जो आपको उम्र के अनुसार ज्यादा ओल्ड नजर आते हो आप। तो हेयर स्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आप पर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी ये आपका सैलून वाला डिसाइड करेगा या आपका लाइफ पार्टनर डिसाइड करेगा, वो ज्यादा अच्छा तरह बता सकता है, वो मैं नहीं बता सकता आपको। खैर, जो चौथी चीज है वो है स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी, जितनी ताकत होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा यंग नजर आएंगे। और अगर आप आलसी होंगे, डल होंगे, आप कोई आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो आप ओल्ड नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैंने चार चीजें बताई, आपका बॉडी फैट परसेंट, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, और आपका हेयर स्टाइल। ये चार चीजें ही आदमी को यंग दिखाती हैं और यही चार चीजें आदमी को ओल्ड दिखाती हैं। अब हमको करना क्या चाहिए? पहली चीज, जैसा मैंने कहा, आप अपनी बॉडी का फैट परसेंट घटाएं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको एक तो फैटी चीजें कम कर देना चाहिए। दोस्तों, हर फैट बुरा नहीं होता। हमको जो फैट छोड़ना है, वो कौन सा फैट छोड़ना है अपने को? जो फैट कोलेस्ट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड है, मतलब जैसे घी है, मक्खन है, ये फैट हमको बंद करना है। और कौन सा फैट खाना है हमको? हमको फैट खाना है जो फैट पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है, ठीक है? हमको सेचुरेटेड फैट छोड़ना है, घी, मक्खन, ये सब सेचुरेटेड फैट है। और जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट है, वो ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल से डिराइव्ड होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, है ना, जो सबसे अच्छा सनफ्लावर ऑयल हो गया, इनमें ओमेगास होते हैं, है ना, ओमेगा 3, खास करके ओमेगा 3, जो आपकी स्किन को ग्लो लाता है, आपकी स्किन को टोनअप करता है, और आपकी स्किन पर जो सन की वजह से जो आप काले हो जाते हो, टेनिंग आ जाती है, वो कम करता है, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है ये। तो स्किन पर कोई डिजीजेस भी नहीं होने देता। तो आपको अच्छा फैट खाना है और सेचुरेटेड फैट कम करना है, जो कि बॉडी में स्किन के नीचे जमा हो जाता है। ये तरीका है फैट को कम करने का। और दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है स्किन, दूसरी चीज आती है स्किन। स्किन को ग्लो रखने के लिए आपको जिस चीज की आवश्यकता है दोस्तों, वह है प्रोटीन। प्रोटीन, एक हमारी स्किन में कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है, हमारी स्किन में कोलेजन कम होता चला जाता है। तो उस कोलेजन को बनाए रखने के लिए आपको अच्छा प्रोटीन इंटेक करना होता है। आप सभी जानते हैं, हमको फर्स्ट क्लास प्रोटीन एनिमल सोर्स से मिलता है, नॉन वेज से मिलता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अगर आप एगेटेरियन हैं तो एग तो बेस्ट होता है इस मामले में। सिर्फ आपको येलो पार्ट कम लेना है, लिमिटेड लेना है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। तो एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा वाइटामिन सी। वाइटामिन सी आपकी स्किन को टोनअप करता है, जिसके लिए हम जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, वहां से हमको विटामिन सी डिराइव होता है। आंवला है, आंवला ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आंवले का चूर्ण लें, आप आंवले का कुछ बनवा लें, आंवले का मुरब्बा खा लें, आपको एनी हाउ वाइटामिन सी बॉडी में जाना चाहिए। तो आपका अगर प्रोटीन अच्छा है, वाइटामिन सी अच्छा है, और अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 अच्छा है, ओमेगा 3, जैसा मैंने आपको बताया, ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स वैसे फिश होती है। आप फिश देखते हैं पानी में कितनी लचीली होती है ना, उसकी स्किन कितनी शाइनी करती है, उसकी स्किन कितनी ग्लो करती है, बिकॉज ऑफ ओमेगा 3, क्योंकि फिश की बॉडी में ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। वही एक ऐसा नॉन वेज है जिसके अंदर अच्छा फैट पाया जाता है, बाकी सभी नॉन वेज में सेचुरेटेड फैट होता है, तो फिश खाना चाहिए। अच्छा, फिश के अलावा जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, उनमें वॉलनट आता है, फ्लैक्स सीड आती है जिसको आप अलसी बोलते हो, चिया सीड आती है, और ये सब इंडियन मार्केट में मौजूद है। तो इससे आपकी स्किन ग्लोइंग
टोन अप और अच्छी इलास्टिसिटी की होगी, जिससे आप यंग दिखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज मैंने हेयर स्टाइल के लिए बोली। मैंने पिछला वीडियो आपको हेयर पर बनाया था, उसमें बताया था कि आपको क्या क्या चीजें, कैसा न्यूट्रिशन रखना है जिससे आपके हेयर अच्छे होंगे। और हेयर स्टाइल नो डाउट, जैसा मैंने कहा, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि आपकी फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल है जो आपको यंग दिखाता है। तीसरी चीज है स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। लोग ओल्ड इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज का आज फैशन तो है, मतलब हर यंग ये चाहता है कि उसकी अच्छी बॉडी हो, और वो लेकिन उसके लिए जुनून नहीं है लोगों में। और खास करके वो जिमिंग तो जाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जिम बेकार हो जाती है। तो मेरा ये कहना है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना बना रहेगा, जिससे आप एक्टिविटी जब कोई काम करेंगे तो उससे लोगों को आप यंग देखेंगे। ओके, तो सिर्फ फूड ही नहीं, फूड के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। और एक चीज जो कि बहुत जरूरी है यंग दिखने के लिए, 8 आवर स्लीप, 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। लाइफ में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई जो आपको ओल्ड एज में भी यंग दिखाएंगी, या अगर आप अपनी कम उम्र में हैं लेकिन ओल्ड दिख रहे हैं तो इन चीजों को करिए, तो आप फिर से जवान दिखने लग जाएंगे। बाकी जो एज है उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता, हम सिर्फ उसको हाइड कर सकते हैं विद दी गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। बाकी एज तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो मैं अगेन, चूंकि मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए उसमें मुझे एंटी एजिंग फूड की बात करी गई थी, तो मैं दोबारा एक बार फूड के बारे में आपको बता देता हूं। आपको वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने हैं जिनका जीआई इंडेक्स हाई है, मतलब रिफाइंड शुगर, मीठा ये नहीं खाना है क्योंकि ये आपको मोटापा लाएंगे। दूसरा, आपको सेचुरेटेड फैट नहीं खाना है क्योंकि ये मोटापा लाएंगे। आपको जो फैट खाना है वो खाना है पॉली अनसेचुरेटेड फैट, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होते हैं। उसके अलावा मैंने बताया स्किन के लिए पर्टिकुलरली ओमेगा 3 अच्छा है, तो वो खाना है जो कि वॉलनट, फ्लैक्स सीड, आपकी चिया सीड और फिश ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा आपको प्रोटीन खाने हैं, प्रोटीन के सोर्स आप सभी जानते हैं, नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन अच्छा होता है। इसके अलावा वेजिटेरियन में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। वाइटामिन सी के लिए आपको सिट्रस फ्रूट खाना पड़ेंगे। वाइटामिन ई भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारी, मैंने दोस्तों जैसे वीडियो में बताया था, हमारी बॉडी में एंड फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को ओल्ड करते हैं। उनको, जो फ्री रेडिकल्स को जो मारते हैं, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई एनरिच फूड भी हमको ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। और फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर में हम हनी का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसा मैंने आपको हनी वाली वीडियो में भी बताया था कि उसमें फ्लेविनोइड पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमको हमारी एज को बढ़ने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें और मुझे रिक्वेस्ट भी भेजें कि किन किन टॉपिक्स में मैं वीडियो बना सकूं जिससे आपका फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आए वीडियो के। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और रिक्वेस्ट करें वीडियो के। थैंक यू, गुड बाय।